नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन। आज का वीडियो का टॉपिक है कि ऐसे पांच कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है, स्पेशली मेल्स के अंदर। आज यहाँ पे फीमेल्स वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर और भी सारी चीजें होती हैं, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं आपको फीमेल के अंदर हेयर फॉल कैसे कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मेल के अंदर ये पांच ऐसे क्या क्या कारण हैं और इनके क्या इलाज हो सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो ये एजुकेशनल बेस पे है और आपको ये बताने के लिए बेसिकली कि जो तो एजुकेशन वे में लीजिएगा इसको, आप एज ए सेल्फ थेरेपी की तरह से मत लीजिए। आपको कोई भी ट्रीटमेंट अगर करना है तो आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और मेन कॉज क्या होता है वो एक नंबर पे अगर हम रखेंगे तो वो हेयर फॉल और हेयर लॉस जो एडल्ट मेल हो जाते हैं, या अगर जो किशोरावस्था जिनके लगभग समझ लीजिए कि 15-16 साल के बाद से जिनके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जेनेटिक का मतलब क्या हुआ कि मतलब मदर और फादर की तरफ से, दोनों की तरफ से तो जीन आ रहे हैं, तो दोनों की तरफ से जो जीन आ रहे हैं अगर उनमें कोई भी फैमिलियल पैटर्न है जिसमें बाल्डनेस वगैरह का है तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल का, और ये में लेटर ऑन ये कन्वर्ट हो जाता है बाल्डनेस के अंदर। तो जेनेटिक एक बहुत ही बड़ा कारण है, इसमें बहुत सारे जीन्स हैं। अभी तक रिसर्चर्स जितने कर चुके हैं, मोर देन 200 जीन्स आज तक डिस्क्राइब हो चुके हैं जिनके कारण से हेयर फॉल हुआ है और बाल्डनेस भी हुई है। तो यूजुअली जो लोग मेरे पास आते हैं और बात बताते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ तो इस तरीके से इमीडिएट में फादर के पास मतलब ऐसा बाल्डनेस वाली कोई चीज नहीं है, तो ज्यादातर लोगों में हम जब उनको डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आपके ग्रैंडफादर की क्या है पोजीशन है, या आपके जो है अंकल जो है पैटर्नल अंकल हैं उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं या उनके अंदर कोई बाल्डनेस है, तब जब हमको पता पड़ती है कि नहीं ये पैटर्नल साइड से है। इसी तरीके से हमको मैटरनल साइड से करना पड़ता है कि आपके मामा यानी कि मैटरनल अंकल के अंदर कोई ऐसी बाल्डनेस की पोजीशन है या नहीं है, या आपके जो नाना यानी कि ग्रैंड पेरेंट जो है आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट है उनके अंदर ऐसा है कि नहीं है। कई बार ये बहुत आसानी से ही ट्रेस हो जाता है। दिक्कत कब आती है कि जब उन्होंने कभी उनको देखा नहीं होता है या कि उनके फोटोग्राफ नहीं देखे होते हैं, तब ऐसी दिक्कत आती है। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में पता पड़ जाता है कि यह जेनेटिक है और हेरिडिटियल, मतलब ऊपर से एक फैमिली ट्री में से ये चला आ रहा है और उनकी जेनेटिक इफेक्ट की वजह से इनके अंदर हेयर फॉल हो रहा है और हेयर कॉज बहुत बड़ा एक कॉज है जो कि बाल्डनेस का है। शुरू होता है हेयर फॉल से, धीरे 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 ये बढ़ते हुए। क्यों ऐसा होता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए हेयर फॉल जो होता है नॉर्मली लगभग 50 हेयर्स तक तो नॉर्मल है, किसी किसी के मतलब अप टू 100 हेयर्स भी पर डे फॉल कर सकते हैं, वो नॉर्मल हो सकते हैं। प्रोवाइडेड बड़ी बात ये रहती है इसमें कि ये जितने हेयर गिरे हैं वो वापस आ जाने चाहिए। तो ये क्या होता है, कुमुलेटिव इसका जो एक्शन आएगा, कुमुलेटिव जो चीज आएगी, कभी ऐसा नहीं महसूस होगा कि नहीं ये अल्टीमेटली लॉस होके और बाल्डनेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज है इसमें। ये जो चीज होती है, रिप्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है हमारी, देखिए हेयर साइकिल्स होती हैं, फेजेस होती हैं, जैसे कि उनके अंदर एनाजन फेज, टीलोजन फेज और कैटाजन फेज जो होती हैं, पहले सबसे पहले एनाजन, फिर कैटाजन, फिर टीलोजन, इस तरीके से जो होती है ये फेजेस रहती हैं, इनके ड्यूरेशन अलग होते हैं। मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं और मेरे जो वीडियोज हैं उनके अंदर मैंने डिटेल में इस बारे में समझाया भी हुआ है, तो ये उससे रिलेटेड है। दो नंबर पे अगर शुरू करें, जो आजकल हमने बहुत ही कॉमनली देखा हुआ है कि डाइट का बहुत बड़ा एक इफेक्ट आया है लोगों के अंदर, बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो लोग ज्यादा फास्ट फूड में चले जाते हैं या सब्जियां नहीं खाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनके अंदर विटामिन्स हो, जिनके अंदर मिनरल्स हो, वो चीजें अवॉइड करके बाकी सिर्फ जो है जंक फूड जो होते हैं वो खाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि कुम्युलेटिव एक्शन होते हुए विटामिन तो एक दिन के अंदर नहीं लॉस हो रही है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर स्टोरेज है। तो ये क्या होता है कि ये जिस तरीके से वो ओवर द इयर्स एंड इयर्स इस तरीके से करते रहे, मतलब उनका खाने का फूड हैबिट इस तरीके से रहा कि कई सालों में फिर अचानक से आए कि देखिए मैंने तो जो है 2 महीने से ये सब छोड़ दिया है, फिर भी मेरा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, जिसका लॉस कई सालों में हुआ।
उसका रिप्लेसमेंट 2 महीने में तो नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि कहीं ना कहीं विटामिन या मिनरल्स का लॉस है। कई लोग एडिक्ट हो जाते हैं या मतलब ये बोलिए कि हैबिचुअल हो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, तो वो भी एक चीज है। क्योंकि क्या है कि देखिए कैलोरीज तो उनको मिल गई, जंक फूड से भी कैलोरीज मिल गई, फास्ट फूड जो भी खा रहे हैं, जंक फूड जो फास्ट फूड खा रहे हैं उनमें आपको उनकी कैलोरीज तो पूरी मिल गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई जो कि न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए, जो कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मेन है बैलेंस डाइट उनको नहीं मिल रही। तो होता क्या है बेसिकली कि जो न्यूट्रिशियस डाइट होती है या जो न्यूट्रिशन होता है वो सबसे पहले सप्लाई करता है वाइटल्स को, फिर सेकंड लाइन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को। तो ये सब करते करते जो सबसे लीस्ट मतलब कंसिडरेबल चीज होती है उसमें से आते हैं हमारे हेयर्स। इसके बाद अगर फर्क आता है तो नेल्स में आता है, फिर उसके बाद फर्क आता है तो हमारी स्किन में आता है। तो इस तरीके से पता पड़ता है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि ट्रेन को रोकना हो तो लाल झंडी जैसे देते हैं तो सबसे पहले उसको लाल झंडी दिखा के रोक दिया जाए, या येलो लाइट दिखा के उसको बोल दिया जाए भाई स्लो हो जाओ। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको सबसे पहले पता पड़ती है कि हमारे हेयर फॉल हो गए। ये लेकिन न्यूट्रिशन डाइट से रिलेटेड है, यानी कि बैलेंस डाइट जिनकी नहीं रहती है उनसे रिलेटेड है। 3 नंबर पे क्या है? 3 नंबर पे सबसे बड़ी चीज रहती है कि जो ये भी आजकल मैंने ज्यादा देखा है कि स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस, लेट नाइट वर्क। आईटी सेक्टर वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म पे ही उनको अपने जो कमेंट्स हैं उनको पूरा करना होता है, जो उन्होंने टारगेट्स ले रखे हैं उनको उनको पूरा करना होता है। इसी तरीके से मैंने देखा पायलट्स के अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके अंदर क्या है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि न्यूट्रिशन डाइट यानी कि बैलेंस डाइट की अगर प्रॉब्लम है तो दोनों काम और मिल गए और उनके साथ में ये ज्यादा परेशानी आने लगी। तो स्ट्रेस देखिए बहुत बड़ी एक बात है और ये कहीं ना कहीं हमारे हेयर फॉल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ये चीज एक आपको समझनी होगी। 3 नंबर पे ये है। 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे है एडिक्शन। माने देखिए सबसे ज्यादा जो एडिक्शन आज की डेट में मैंने देखा है वो है स्मोकिंग का। देखिए स्मोकिंग में टबैको रहता है, टबैको इन एनी फॉर्म, चाहे वो च्यूइंग के माध्यम से हो, जैसे कि लोग खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, या इसी तरीके के और किसी एडिक्शन है जिसमें कि जिसे हम अगर सरल भाषा में अगर बोलें कि नशा, अगर वो इस तरीके की किसी भी एडिक्शन में है तो इनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि टबैको जो होता है हमारे माइक्रो सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है। और माइक्रो सर्कुलेशन को इफेक्ट करने से जहां पे सबसे पहले इफेक्ट नजर आता है वो है हमारे हेयर्स। इसके अलावा बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट नजर आता है, जैसे कि हार्ट में भी आता है, ब्रेन में भी आता है। इसलिए एक्चुअली क्या ब्रेन में उनको समझ में इस तरीके से आता है कि उनको एक थ्रिल देता है, इनको एक ऐसे बताता है कि नहीं मेरे को मतलब कोई चीज मोटिवेट कर रही है कि मैं काम ज्यादा करूं या आसानी से काम कर लूं, या मेरे को इस चीज से इतना स्टिमुलेशन मिल रहा है कि मैं एक सिगरेट पी लूं और काम पे चल जाऊं। ये इनके अंदर एक एडिक्शन हो जाता है और फिर वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। बालों के अंदर भी समस्या आती है कि अगर उनका माइक्रो सर्कुलेशन अगर कम हो जाएगा तो बाल गिरना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ में न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट वाली भी प्रॉब्लम आती है। अगर हम 5 नंबर पे देखें, 5 नंबर पे आता है अल्कोहल रिलेटेड चीजें। या अल्कोहल को मैं 5 नंबर पे क्यों रख रहा हूं? क्योंकि अगर देखिए कोई भी लंबे समय तक कोई बीमारी रही, या समझ लीजिए कि थायराइड की बीमारी रही, तो ये जो चीजें हैं ये जो सिस्टमिक डिजीज है। मैं अल्कोहल को सिस्टमिक डिजीज में क्यों बोल रहा हूं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अल्कोहल लेने से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम तो आ ही रही है, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे लिवर में। लिवर हमारा एक मेटाबॉलिज्म का केंद्र है, सेंटर। अगर वहां से अगर हमारी प्रॉब्लम आई, शुरू हुई, तो सारी की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूट्रिशन का वो उसी में तो प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने इसको एक सिस्टमिक डिजीज में इसीलिए रखा है। इसी को सिस्टमिक डिजीज में साथ में दूसरी चीजों को मिलाने का भी कारण यही है कि जैसे कि और कोई लंबे समय तक बीमारी हो गई, लंबे समय तक बुखार हो गया, टाइफॉइड हो गया, इस तरीके की कोई चीज हो गई, या हमारी एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि जिसमें कि थायराइड एक ग्लैंड है, एक एग्जांपल है, उसके अंदर कोई परेशानी हो गई, या हमारे इंटेस्टाइन में कोई परेशानी हो गई जिसमें कि मेटाबॉलिज्म होने से पहले जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है इन्हीं के अंदर कोई प्रॉब्लम आने लग गई, तो ओवरऑल न्यूट्रिशन पे इफेक्ट आया और हमारे बालों जो हेयर फॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसमें एक इनडायरेक्ट वे से रिलेशन जरूर है। अगर हम इन पांचों को इस तरीके से मिला दें, माने देखिए जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ में अगर स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है, सिगरेट स्मोकिंग की प्रॉब्लम आती है, बैलेंस डाइट की प्रॉब्लम है, और उसके साथ में अगर अल्कोहल या कोई सिस्टमिक डिजीज अगर है, तो ये चीज ऐसे हो गई। जो काम बहुत एक लंबे समय में होना है यानी कि हेयर फॉल होते हुए अगर बाल्डनेस में कन्वर्ट होना है, अगर सारी चीजें एक साथ हैं तो समझ लीजिए कि ये इसकी जो गति है, जो बालों के गिरने की गति है या बाल्डनेस में कन्वर्ट होने की गति है, वो बहुत तेज हो जाती है। ये चीज बहुत
आसानी से मैंने ख्याल से मैंने अपने आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको लगता है कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो हमारा नंबर जो है शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा साइड में, तो आप वहां पे कॉल करके हमको पूछ भी सकते हैं या हमको कमेंट करिए। देखिए हमको आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज भी भेज सकते हैं, टाइमली आपको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। और अगर चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपको और कुछ बताऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाइए और जो है वीडियो शेयर करिए आपको अच्छा लगे तो। नमस्कार।